वेलकम स्क्वाड वेलकम कैसे हो हाउ आर यू डूइंग नया सेटअप किया है और क्या चल रहा है कैसे हो हाउ आर यू डूइंग जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू पीपल टू जॉइन जॉइन कर लो जॉइन कर लो uh, फिर देखते हैं कि आज का टॉपिक है नेविगेशन सिस्टम तो आज जानेंगे कि नेविगेशन कैसे बनाते हैं मेन्यूज़ कैसे बनाते हैं अपने प्रोडक्ट्स के खासकर जब आप स्कैच से बना रहे होते हैं किन बातों का ख्याल रखना चाहिए किस बेसिस पे आपको नेविगेशन बनानी चाहिए तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक तो अभी क्या है मैंने सेटअप चेंज किया है इट स्टिल नॉट अ कम्प्लीट सेटअप तो मैं ऑफ क्वाइट ऑफ नीचे देखूँगा uh, आपको दिखेगा भी नहीं बट मैं ऐसे देख के बात करूँगा क्योंकि यहाँ पर मेरे नोट्स लिखे हुए हैं प्रेजेंटेशन के तो बेयर विद मी ऑडियो सही आ रही है कि नहीं बता दो मुझे गिव मी अ चेक कि ऑडियो सही है उसके बाद मैं स्टार्ट uh, कर दूँगा लो वॉइस ओके एक सेकेंड हाउ अबाउट नाउ अब आवाज सही है बताओ ऑडियो uh, कैसी है तो जो, जो ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना लिंक्स uh, होंगे uh, तो आप वीडियो वहाँ से देखना स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से आपका इंटरेस्ट है ये सब टेक्निकल ग्लिचेस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब अब आवाज ठीक है ओ मिथिल लेट मी नो आवाज़ कैसी है हाउ इज़ वॉइस आई थिंक अब अब ठीक हो गई होगी ऑल अब थोड़ी सी uh, मेरे को लग रहा है फट रही होगी या गुड टू गो कूल मैन ओके लेट्स स्टार्ट जस्ट बेयर विद मी गाइज जस्ट बेयर विद मी ओके गुड टू गो कूल लेट्स स्टार्ट सही है तो वेलकम ओके आई हैम गेटिंग अ फोन तो आई विल नॉट पिक इट अप लेट्स पुट इट टू साइलेंट कूल या सो या वेलकम गाइस वेलकम टू द स्क्वाड आज जैसे कि मैंने बताया नेविगेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे आ, तो थोड़ा सा प्रीकैप कर लेते हैं अब तक हमने क्या पढ़ा है या मैं लाइव कर रहा हूं अभी से नहीं और तुम्हारा कॉल आ रहा है <laughs> चलो बाय लाइव ही देख लो इससे बढ़िया इसे बहाने यू आर ऑन लाइव अभी कॉल तुम लाइव पे ही हो <laughs> <laughs> चलो बाय दैट वाज माय फ्रेंड चलो शायद एक और व्यूअर बढ़ जाए सॉरी गाइस सॉरी फॉर दिस ग्लिचेस हाँ तो प्रिकअप कर लेते हैं जल्दी जल्दी आई ब्रिंग यू अप टू स्पीड हमारा ऑलरेडी काफी टाइम डिले हो चुका है cool. तो अभी हमने लास्ट में क्या पढ़ा था हमने पढ़ा है बेसिक्स ऑफ बेसिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर हमने कॉन्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है जिसमें वी हैव कवर्ड ऑर्गेनाइजेशन स्कीम और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर वो आपने नहीं पढ़ा है या फिर आप ये स्ट्रीम पहली बार देख रहे हो तो नीचे लिंक में प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट में जाके दिस इज़ द थर्ड आई थिंक थर्ड लाइव स्ट्रीम इस पर की थी फिर हमने लेबल्स और लेबलिंग सिस्टम कवर किया था लास्ट लाइव स्ट्रीम में और आज की लाइव स्ट्रीम में हम करेंगे नेविगेशन सिस्टम कवर और अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको रियलाइज़ होगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस सीरीज़ के पास जाते जा रहे हैं लाइंस ब्लर होती जा रही है मतलब टॉपिक्स के बीच में लाइन ब्लर होती जा रही है बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर एंड एक चीज़ से दूसरी चीज़ डिराइव हो रही है सो विच इज़ इंटरेस्टिंग तो आप इफ इफ यू फील लाइक दैट तो दैट इज़ गुड बिकॉज थिंग्स आर मोर ऑफ ओवरलैप स्ट्रेट लीनियर लाइन में नहीं है ये सो या एंड लेट्स स्टार्ट विद नेविगेशन सिस्टम तो नेविगेशन सिस्टम क्या होता है राइट वॉट इज़ नेविगेशन सिस्टम आई बिलीव नेविगेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडर रेटेड टॉपिक्स इन यू एक्स डिजाइन आई आई हैव बेरली सीन एनी वन टॉकिंग अबाउट नेविगेशन सिस्टम बहुत सारे रीजनज हैं उसके वन इज बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स तो उसको बहुत ही छोटे छोटे, छोटे चंक्स में तोड़ तोड़ना इज़ नॉट वेरी फीजिबल और अगर करे भी जाए तो इट माइट नॉट मेक सेंस एंड दिस इज़ जस्ट ट्रू फॉर इन्फॉर्मेशन आर्किीटेक्चर इन जनरल तभी मैंने इन्फॉर्मेशन आर्टेक्चर को ऐसे आधे आधे एक एक घंटे की लाइव स्ट्रीम्स में कर रहा हूँ बिकॉज ये टॉपिक सिंपली यू कांट ब्रेक डाउन इन टू बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे इंस्टाग्राम पराउज में देखते हो आप तो या सो नैविगेशन सिस्टम इज वन ऑफ द फंडामेंटल्स और इसका यूजेबिलिटी से डायरेक्ट कनेक्शन है क्योंकि uh, अगर आपके पास आपके प्रोडक्ट में नैविगेशन अच्छा नहीं है राइट right? तो यूजर्स विल स्ट्रगल टू यूज़ योर प्रोडक्ट उनको समझ में नहीं आएगा आपका प्रोडक्ट्स कैसे यूज़ करना है uh, और पुअर नेविगेशन कैन कॉज द यूजर्स टू बिकम डिसोरिएंटेड फ्रस्ट्रेटेड एंड इवन एंग्री आई आई एम श्योर आपके साथ एक ना एक बार तो एटलीस्ट हुआ हुआ है स्पेशली गवर्नमेंट वेबसाइट पे जब आप जाते हैं उनका इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर नेविगेशन इतना पुअर होता है आपको बेयरली समझ में आता है कि कहाँ पे जाना है क्या चीज़ क्लिक करनी है राइट right? और आई आर सी टी सी इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल उस चीज़ के लिए बहुत लोगों ने उसको रीडिजाइन भी किया है तो दैट इज वाई नेविगेशन कैन एक्चुअली कॉज योर यूजर टू गेट एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड एंड वी डेफिनेटली डोंट वॉन्ट दैट विद आवर प्रोडक्ट्स राइट सो देआर फॉर क्रिएटिंग अ गुड नेविगेशन सिस्टम बिकम्स इवन मोर क्रूशल नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये टेक अवे तो आज आपको लेके जाना चाहिए इस लाइव स्ट्रीम से वो ये है कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर इज नॉट नेविगेशन बहुत लोग आप दे जब आगे जाओगे फ्यूचर में और अगर आप बहुत सारा कंटेंट भी कंज्यूम करते हो तो आप काफ़ी जगह देखोगे कि लोग इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर वर्ड यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को के मेन्यू को कम्युनिकेट करने के लिए मतलब वैन एवर दे आर सिंह कि हमें इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर पर काम करना है दे समे सम मीन कि उन्हें मेन्यू पे काम करना है विच इज़ नॉट ट्रू आई मीन मेन्यू इज़ अ पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर बट एंड एंड नेविगेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर बट मेन्यू इज नॉट इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर और नेविगेशन इज नॉट इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर सो इफ इन फ्यूचर और फ्रॉम राइट नाउ और करंटली आल्सो, अगर आप इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं तो मेक श्योर यू क्लियरली कम्युनिकेट कि आप नेविगेशन पे काम कर रहे हैं मेन्यू पे काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं या इन सब पे काम कर रहे हैं क्योंकि अगर आप इन सब पे काम कर रहे हैं तभी ही आप इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर पर काम कर रहे हैं और नाउ वन मोर स्टेटमेंट दैट यू विल कम अक्रॉस इट्स नॉट वेरी कॉमन बट यू विल कम अक्रॉस दिस इज विथ बी एम बूंद बूंद से सागर बनता है इंग्लिश ट्रांसलेशन नैविगेशन इज समथिंग दैट इज बिल्ड बिग ब्रिक बाय्रिक एज योअर प्रोडक्ट ग्रोज साउंड ट्रू बट नॉट रियली क्योंकि अगर आपने ये फिलोसफी को फॉलो किया तो योर प्रोडक्ट विल एंड अपमिंग एन ऑर्गेनाइज मैस एंड इट विल हैव मल्टीपल हायर आर कीट विल हैव पैच नैविगेशन तो काम तो हो जाएगा बट अच्छा काम नहीं होगा एंड दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर नेविगेशन एज अ होल यूनिट एंड इंटीग्रेटेड इन योर प्रोडक्ट ताकि वो नेचुरल लगे और ऑलमोस्ट इनविजिबल लगे ऐसा ना लगे कि अलग से लगाया गया है अपने प्रोडक्ट में एड करने के लिए एंड इंटिव नेविगेशन डजेंट हैपन बाई चांस इट इज अ रिजल्ट ऑफ डिटेल्ड रिसर्च प्लानिंग कॉन्टिन्यूस फीडबैक फ्रॉम द यूजर्स एंड आइटरेश कूल तो होप सबको अब तक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं लेट्स सी इन द चैट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन कुछ समझना है कुछ जानना है कि क्या हो रहा है तो बताओ uh, हाई भी बोल दो लाइक like भी कर दो यार स्ट्रीम को लाइक uh, like नहीं किया है किसी ने अभी तक तो इट विल रियली हेल्प अदर पीपल एंड ऑल्सो यू आर शेयर यूर सोशल मीडिया अपने फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स को बुलाओ बताओ कि नेविगेशन सिस्टम्स पे और या फिर इन्फॉर्मेशन आ पर लाइव स्ट्रीम चल रही है आ, ताकि वो आएँ देखें ज्ञान बांटना चाहिए यार आप क्या अपने पास रख के सड़ा रहे हो मुन्ना <laughs> भाई का डायलॉग है कुल आई डोंट थिंक वी हैव एनी मोर चार्ज एक तो यार लाइफ स्ट्रीम में लेटेंसी भी काफ़ी होती है ना तो मैं जो अभी बोल रहा हूँ वो आपको सात सेकंड बाद सुनाई देगा फिर आप रिप्लाई करोगे तब तक मैं आगे चला जाऊँगा अमृत सेज़ हेलो हाई अमृत हाई व्हाट्सअप मैन हाउ आर यू डूइंग तो मिथिल ने क्वेश्चन पूछा है साइट मैप्स एंड नेविगेशन स्कीमा इज सेम और डिफरेंट तो आई विल कवर इसमें इस वाली स्ट्रीम में ही कि साइट मैप क्या होता है और नेविगेशन क्या होती है गुड क्वेश्चन थोड़ी सी पेशेंस रखो अभी आगे जाके कवर करूंगा मैं कि साइट मैप क्या होता है और नेविगेशन क्या होता है कुल cool. यार लाइक like नहीं किया आप लोगों ने यार लाइक like तो कर दो एक छोटा सा बटन है थम्स अप का ऐसा दबा दो uh, हो जाएगा सब्सक्राइब भी कर दो अगर नहीं किया तो चलो एनी एनी मोर क्वेश्चन दैट यू हैव आई आई गेस नो चलो कोई बात नहीं आगे देख लेंगे आगे ले लेंगे कूल वेयर इज माई हाँ कूल तो राइट तो नेविगेशन सिस्टम क्या होता है वॉट इज अ नेविगेशन सिस्टम अगर इफ़ यू कैन गेस इट इन द चैट या फिर अगर आप ये बाद में देख रहे हो वीडियो तो कॉमेंट्स में बताओ कि नेविगेशन सिस्टम क्या होता है uh, तो नेविगेशन सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेविगेशन एलिमेंट्स इस वर्ड पे ध्यान देना नेविगेशन एलिमेंट्स दैट यूजर इंटरेक्ट्स विद टू मेक देयर वे थ्रू द प्रोडक्ट तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जिससे यूजर इंटरैक्ट कर सकता है और प्रोडक्ट में नेविगेट कर सकता है मूव कर सकता है आगे पीछे या किसी कहीं भी उसे नेविगेशन एलिमेंट बोलते हैं राइट मैंने इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर की जो दूसरी स्ट्रीम थी उसमें इन्फॉर्मेशन एलिमेंट पे भी एक हाईलाइट किया था कि इन्फॉर्मेशन एलिमेंट क्या होता है एनीथिंग जो यूज़र कम्युनिकेट करता है रीड करता है या एक्शन ले सकता है उसे इन्फॉर्मेशन एलिमेंट बोलते हैं और नेविगेशन एलिमेंट कोई भी इंटरएक्टिव एलिमेंट होता है जिसके थ्रू यूज़र नेविगेट करता है वेबसाइट पर कुल बहुत क्लियर डिफरेंस है दोनों में नहीं है तो अगेन कोई कन्फ्यूजन है तो क्वेश्चन चार्ट में डाल दो मैं एड्रेस कर लूँगा Uh, तो नेविगेशन एलिमेंट के एग्जाम्पल देता हूँ आपको मोस्ट कॉमन एग्ज़ाम्पल अगर हैं तो हाइपर लिंक्स बटनस ब्रेड क्रम्स मेन्यू नेविगेशन हैमबर्गर हो गया आपका कोई टाइप की ऑनबोर्डिंग होती है आजकल एंड्रॉयड डिवाइस में मिलती है विजर्ड्स होते हैं आपके जैसे सेटअप करते हो आप कंप्यूटर में uh, कोई भी नया सॉफ्टवेयर तो उसका एक सेटअप आता है राइट दैट इज़ अ विजर्ड वो भी एक टाइप का नेविगेशन एलिमेंट है तो बैक uh, बटन हो गया आपका लिंक्स हो गए आपके एनी एनी एलिमेंट जिससे आप इन करके नेविगेट कर सकते हो वो नेविगेशन एलिमेंट है कूल cool. तो ना अब हम जाते हैं जो मिथिल ने क्वेश्चन पूछा था टाइप्स ऑफ नेविगेशन इसमें मिथिल मैं कवर करूंगा कि साइट मैप्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेविगेशन क्या होती है तो जस्ट 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 अ क्वेश्चन कैन एनी वन टेल मी कि कितने टाइप के नेविगेशन होते हैं एक गैस मार सकते हो क्या कोई हु विल मेक अ गैस मतलब दो ही लोग देख रहे हैं तो बता दो कितने टाइप के नेविगेशन होते होंगे आपके हिसाब से टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मैंने आपको बता दिया नेविगेशन एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं तो एक नंबर गैस करो कितने होते होंगे बताओ कूल आई थिंक आई थिंक नहीं बोल रहे लोग कोई बात नहीं पैसिव uh, पैसिवली passive, देखो स्ट्रीम को एनीवेज uh, वेज कमेंट्स में बताना अगर आप बाद में देख रहे हो तो आइड लव टू नो आपका क्या था पॉइंट ऑफ व्यू तो चार टाइप के नेविगेशन है ग्लोबल नेविगेशन लोकल नेविगेशन सप्लीमेंटल नेविगेशन एम्बेडेड नेविगेशन ईच ऑफ दीज डिफरेंट रोल हर एक का अपना अपना काम है uh, इनके अंदर भी अलग अलग टाइप की क्लासीफिकेशन है मतलब बहुत टाइप के ग्लोबल नेविगेशन लोकल नेविगेशन होते हैं मैं सबके एग्जाम्पल्स दूंगा क्लियरली समझाने की कोशिश करूंगा कि ग्लोबल नेविगेशन क्या है उसके एग्जाम्पल्स क्या है बाकी के प्रोडक्ट्स कैसे यूज़ करते हैं उसको और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो मेक श्योर प्लीज चैट में डाल दो या अगर आप बाद में देख रहे हो तो कॉमेंट में डाल दो आई वॉन्ट दिस टू बी वेरी क्लियर क्योंकि नेविगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इससे आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा बन सकता है तो नेविगेशन को एक्सेल कर लो तो बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी डोंट हेजिटेट क्वेश्चन पूछने में अगर हेजिटेशन भी होती है पब्लिकली नहीं पूछना है तो डीएम कर दो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मेरा इंस्टाग्राम Uh, यहाँ पे स्ट्रीम में कहीं लिखा आ रहा होगा ऊपर यहाँ पे तो uh, देख लेना वहाँ पे डीएम कर देना मुझे कुल ग्लोबल नेविगेशन की बात करते हैं एज अ नेम्स इज ग्लोबल नेविगेशन ये नेविगेशन ग्लोबली पूरे प्रोडक्ट पे एग्जिस्ट करता है uh, तो इसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल दिखाता हूँ तो अगर आप ये देखो एप्पल की जो वेबसाइट है ये देखोगे तो इसमें जो आपको टॉप पे नेविगेशन दिख रहा है जिसमें इंटरेक्शन हो रही है अभी ये एप्पल का ग्लोबल नेविगेशन है आप किसी भी पेज पे जाए होगे ये नेविगेशन फिक्स्ड रहेगा ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पेज दैट यू गो टू राइट तो दिस इज़ द ग्लोबल नेविगेशन राइट और ये फिक्स रहता है दिस इज प्राइमरी और ये यूजर्स को हेल्प करता है इंटरेक्ट करने में और दूसरे डिफरेंट पेजेस पे जाने में चाहे आप किसी भी पेज पे हो वेबसाइट पे एप्पल के राइट right? कूल uh, cool. तो दिस इज ग्लोबल नेविगेशन ना ग्लोबल नैविगेशन शुड बी द प्राइमरी नेविगेशन एस्पेशली डेस्कटॉप के केस में इट डज नॉट रियली नीड टू स्टे एट द टॉप जैसे एप्पल के एग्जाम्पल में मैंने आपको अभी दिखाया था बट द रोल इज वेरी क्लियर द रोल ऑफ ग्लोल नैविगेशन इज टू प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू द क्रूशल एरियाज और फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं क्रूशल फंक्शन हैं प्रोडक्ट के उसको अगर आपको डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सेस देना है तो आप वो एक्सेस ग्लोबल नैविगेशन में डिफाइन करेंगे यूजुअली ग्लोबल नेविगेशन जैसा आपने एप्पल में देखा था प्रोडक्ट्स uh, में टॉप पे ही यूज़ होता है लिंकिन की अगर आप डेस्कटॉप वेबसाइट देखें राइट साइड पर तो उन्होंने भी ग्लोबल नेविगेशन अपना टॉप पर यूज़ किया हुआ है uh, जो आपको ये दिख रहा होगा होम माई नेटवर्क जॉब्स एक्सेट्रा तो ग्लोबल uh, नेविगेशन का यही काम होता है ग्लोबली इट हेल्प्स यू एक्सेस मल्टी इम्पॉर्टेंट पेजज़ और मोबाइल में जनरली ग्लोबल नेविगेशन आजकल बॉटम बार में यूज़ होने लग गया है सो यू कैन सी हेयर ये जो बार है uh, ये दिस इज़ हाउ लिंक्ड इन यूज ग्लोबल नेविगेशन इन मोबाइल एंड डेस्कटॉप तो कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर हैं जैसे नोटिफिकेशन सिमिलर है जॉब्स इज सिमिलर माई नेटवर्क इज सिमिलर होम इज सिमिलर तो फॉर फॉर लिंक्ड इन होम माई नेटवर्क नोटिफिकेशन एंड जॉब्स दे आर लाइक द फोर कोर थिंग्स एंड दैट इज़ वाई दे हैव कैप्टन टॉप नेविगेशन अब ग्लोबल नाविगेशन ओवर द ईयर्स इवॉल्व हुई है और उसकी वजह से ले भी इवॉल्व हुए हैं और डिज़ाइन पैटर्नस भी इवाल्व हुए हैं दिस इज़ वन अदर एग्ज़ाम्पल ऑफ ग्लोबल नेविगेशन इसे कहते हैं मेगा uh, मेन्यूज uh, इस स्टाइल ऑफ नेविगेशन को बोलते हैं मेगा मेन्यूज़ तो दे आर मच बिगर दे टेक मच मोर रियल एटेट और इस रियल इस्टेट को बहुत कंपनीज बहुत क्रिएटिवली यूज़ करती हैं जैसे आप एडिडास का एग्जाम्पल देख रहे हो उन्होंने बहुत विजुअली कितने अच्छे से अपने मेन्यू को प्रेजेंट किया है uh, एंड uh, बहुत सारी वेबसाइट्स ये यूज करती हैं स्पेशली स्पोर्ट्स वेबसाइट्स तो बहुत ही क्रिएटिवली यूज़ करती हैं इन जगहों को तो अनदर एग्जाम्पल दिस इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ ग्लोबल नेविगेशन, मेगा मे न्यूज़ नाउ कम्स टू फुटर फुटर आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्लोबल नैविगेशन दे आर नैविगेशन एलिमेंट्स दैट यू सी एट द बॉटम ऑफ द पेजेज तो ये जैसे एप्पल केस के में आपको जो ये नेविगेशन दिख रहा है अभी दिस इज कॉल्ड अ फुटर एंड टू बी स्पेसिफिक दिस टाइप ऑफ फुटर इज़ कॉल्ड अ फैट तो फैट फूटर्स 2010 के बाद यूज़ uh, होने शुरू हो गए थे 2010 2012 के बीच में होना शुरू हो गए थे बिफोर दैट फूटर्स इतने बड़े बड़े नहीं होते थे बहुत ही छोटे बहुत ही मिनिमलिस्टिक होते थे uh, बहुत ही बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर करते थे जैसे कंपनी की लीगल इन्फॉमेसन टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्टैक्ट इन्फॉमेसन एनी कॉपीराइट रैट इन्फॉर्मेशन वो सब कवर किया करते थे uh, जैसे ये एग्जांपल है uh, तो जो हाइलाइटेड एरिया दिख रहा है आपको यहाँ पर इतना ही फुटर हुआ करता था तो ये एप्पल uh, की वेबसाइट है 2010 में एप्पल की वेबसाइट ऐसी दिखती थी और आज 2021 में 2021 में आप देख रहे हो अभी थोड़ा दिखाया था आपको दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक नाउ एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स टू यूज टू लुक इन 2010 तो आप देख रहे हो डिज़ाइन uh, कितना इवॉल्व हुआ है ओवर द ईयर्स और फुटर्स भी इवॉल्व हुए हैं नेविगेशन स्टाइल भी इवॉल्व हुआ है राइट तो या दिस वॉज फुटर्स नाउ दिज आर कॉल्ड फैट फुटर्स एंड दीज आर कॉल्ड मेगा मेन्यूज़ ऑफ ग्लोबल नैविगेशन ग्लोबल नैविगेशन बहुत क्रूशल इसलिए होता है हैंडल करना है इज बिकॉज यूज़र इंटरेक्ट विद दिस ग्लोबल नैविगेशन ऑल द टाइम जैसे आपने देखा ना ऐपल के केस में हमेशा टॉप पे वो एलिमेंट्स रहते ही हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉट पेज यू गो ऑन लिंकड इन में भी वो पे वो सेक्शंस रहते ही हैं राइट right? तो वो यूजबिलिटी को बहुत ही सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है अगर आपका ग्लोबल नैविगेशन में कोई फकप हो गया कुछ गलती हो गई या फिर आपने कोई मिस्टेक कर दी ग्लोबल नेविगेशन में तो आपकी पूरी वेबसाइट में वो मिस्टेक दिखेगी और वो एम्पलीफाई हो जाएगी बिकॉज ग्लोबल नेविगेशन इज ग्लोबल इट स्टेज थ्रू आउट वेबसाइट आई जस्ट मैंने लाइट नहीं चलाई है जस्ट लिटिल बेटर मेरा फेस अब थोड़ा बेटर लेटअप uh, हो रहा होगा कूल cool. राइट सो या मेक श्योर आपका ग्लोबल नेविगेशन बहुत ही अच्छे से हैंडल्ड हो और बहुत ही रिसर्च के बाद बनाया हो या दिस इज दिस इज वॉट आई जस्ट सेड ग्लोबल नेविगेशन मस्ट रिक्वायर इंटेंसिव आइटरेटिव यूजर डिज़ाइन एंड टेस्टिंग कूल तो ये थी ग्लोबल नेविगेशन एनी क्वेश्चन सो फार एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं वेर इज वेर इज मेज नेम इज ओके ओके तो मिथिल का क्वेश्चन है एक सेकंड यार मैं अपने व्यू पे आ जाऊँ या yeah. सो so, मिथिल का क्वेश्चन है हाउ कैन वी शो इट ऑन अ नेविगेशन मैप यूजिंग बटन नेम लिंक मिथिल मेरे को आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया वॉट डू मीन बाय दैट हाउ हाउ कैन वी शो इट ऑन अ नेविगेशन मैप यूजिंग बटन नेम लिंक नेम और यूजिंग स्क्रीन नेम क्या है मतलब कैन यू कैन यू रिपीट द क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन दोबारा से बताओगे कि किस बारे में पूछना चाहते हो मैं कुछ समझ में नहीं आया ठीक uh, इस बारे में है क्वेश्चन कुल uh, cool. अभी तक जो पढ़ा है ग्लोबल नैविगेशन या अभी तक जो मैंने नैविगेशन सिस्टम के बारे में बताया उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो जस्ट लेट मी नो आई वेट फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स वी आर ऑलरेडी ट्वेंटी मिनट इंड कूल ये सेशन तो लंबा जाएगा तो आई रिकमेंड इसको 1.5 या 2x 7 1.75 पे देखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा ऑल मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ ऑलरेडी आई डोंट नो वो ऐसा साउंड करेगा स्ट्रीम में कूल यार कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेट मी कंटिन्यू ओके तो या uh, नेक्स्ट इज वट हैव नेक्स्ट नेक्स्ट इज लोकल नैविगेशन लोकल नैविगेशन इज अ सपोर्ट टू ग्लोबल नैविगेशन दीज नैविगेशन एलिमेंट्स आर स्पेसिफिक टू द पेज एंड दे आर यूजअली प्रेजेंट एज अ सपोर्ट तो लोकल नैविगेशन बहुत ही फ्रीकुेंटली यूज होता था टू uh, थाउजेंड से पहले स्पेसिफिकली क्योंकि तब वेब इवॉल्व हो रहा था uh, तो आपको लेफ्ट साइड में ऐसे इफ़ यू आर लाइक ए नाइन्टीज़ किड अगर आपने उस टाइम पे इंटरनेट ब्राउज किया है तो आपको पता भी होगा uh, कि ऐसी वेबसाइट्स होती थी जिसमें लेफ्ट साइड पे एक बार होता था uh, जिसमें एक्स्ट्रा नेविगेशनल एलिमेंट्स होते थे टू uh, थाउजेंड तक तो ये काफ़ी वेबसाइट्स में ऑलमोस्ट हर वेबसाइट में तो यूज़ होता ही था डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ मैं नॉट मोबाइल डेस्कटॉप में तो हर वेबसाइट में ये नेविगेशन सिस्टम यूज़ होता ही था कई कई बार मोबाइल वेबसाइट्स में भी वैब के टाइम पे जो मोबाइल वेबसाइट्स थी वेब एक्सेस प्रोटोकॉल के टाइम पे तभी भी मोबाइल uh, पे भी होता था ऐसा नेविगेशन यूज़ बट वही 2012 के बाद ट्रेंड चेंज हो गए टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई डिज़ाइन पैटर्न चेंज हो गए डिज़ाइन मोर मेच्योर हो चुका था तो धीरे धीरे करके आई थिंक टू के बाद देरवर वेरी रेयर वेबसाइट्स Uh, जो यूज़ करती थी इस टाइप का लोकल नेविगेशन दे यूज़ टू यूज लोकल नेविगेशन बट वो किसी और तरीके से करती थी नॉट नॉट लाइक दिस अन अदर वे टू शो लोकल नेविगेशन कैन बी कॉन्टेक्ट बेस्ड एग्जाम्पल ये एडोबी का होम पेज है ये एडोबी यू एस ए का होम पेज है नाउ एडोबी इज अ ग्लोबल कंपनी राइट ग्लोबली है तो इट इज़ बेटर फॉर देम टू हैव अ नेविगेशन स्ट्रक्चर दैट कैन वर्क एट स्केल जो एक ही बार बनाओ और हर जगह यूज़ हो जाए राइट right? बार बार पे काम ना करना पड़े नाउ सिंस दे हैव अ ग्लोबल नेविगेशन स्ट्रक्चर बट एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जब सेम स्ट्रक्चर स्केल होता है तो कंट्री या रीजन स्पेसिफिक नेविगेशन एलिमेंट्स भी हो सकते हैं देर आर थिंग्स लाइक अनाउंसमेंट्स ऑफर्स, इवेंट्स कोई अपडेट देनी हो उस पर्टिकुलर रीजन में तो हाउ हाउ विल द कंपनी हैंडल दैट राइट तो इफ यू सी बीज टू इमेज लेफ्ट में यूएस की वेबसाइट है और राइट में इंडिया की वेबसाइट है स्ट्रक्चरली दोनों सेम है पर अगर आप हाईलाइटेड एरिया को देखोगे तो दिस इज वॉट देयर लोकल नेविगेशन इज यहाँ पे इंडिया के पेज में देर आर मच मोर एलिमेंट्स एंड देर मच मोर लोकल दैन ग्लोबल एलिमेंट आई डोंट नो इफ आई कैन जूम इन हेयर

वॉट कैन लोकल नैविगेशन डू दैट आर ग्लोबल नैविगेशन कैंट और अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज विच आई हैव नॉट मैंशन इज हाउ कैन लोकल नैविगेशन सपोर्ट आवर ग्लोबलगेशन राइट तो ये था लोकल नविगेशन वेरी शॉर्ट एनी क्वेश्चन सो फार अब तक एनी एनी क्वेश्चन सो फार नो नो क्वेश्चन्स कोई बात नहीं लेट्स कंटिन्यू लेट मी नो अगर स्पीड वीड सही है मेरी यार इफ़ यू वॉन्ट एनी एग्जाम्पल्स और इफ़ यू वांट मोर एग्ज़ाम्पल्स को थोड़ा और सिम्प्लीफिकेशन चाहिए या थोड़ा स्लो बोलूँ थोड़ा फास्ट बोलूँ कुल चलो यार तीसरे टाइप की नेविगेशन इज जस्ट वेट अट सॉरी सॉरी तीसरी टाइप ऑफ नेविगेशन है हमारी कॉन्टेक्चुअल नेविगेशन नैविगेशन मैंने अपने लास्ट टॉपिक लेबलिंग सिस्टम में कंटेक्सचुअल लिंक्स के बारे में बताया था तो कॉन्टेक्चुअल नेविगेशन इज एक्सटेंशन टू दैट बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ जिसने ऑब्वियसली लास्ट सेशन नहीं अटेंड किया था मेरा इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच देन अगेन प्ले लिस्ट एंड नीचे आई एल ऑल्सो लिंक इट समेर इन द टॉप राइट टॉप राइट पर तो आप देख लेना सो सम नेविगेशन एलिमेंट्स जैसे लिंक्स होते हैं मीडिया टैक्सट दे कांट बी स्ट्रक्चर्ड आईदर इंडियो ग्लोबल नैविगेशन और अ लोकल नैविगेशन एंड दे आर ओनली वैलिड विद इन अ कॉन्टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे ये तीन लिंक्स हैं राइट दे दे डोंट मीन एनी थिंग ऑल दो फॉरगोर्ड पासवर्ड का मतलब आप ये एज्यूम कर रहे होगे कि यहाँ पर क्लिक करके आप पासवर्ड डालोगे बट आपने अपनी ई मेल आई डी नहीं डाली यहाँ पर फॉरगॉड पासवर्ड तो क्या मतलब ओके है फॉर गॉड पासवर्ड बट आगे क्या स्टार्ट हेयर वॉट डू यू मीन बाय स्टार्ट हेयर राइट तो अगर आप रैंडमली आपको कोई भी सॉरी यार uh, अगर आपको रैंडमली कोई भी लिंक दिखेगा तो दैट वुड नॉट मेक सेंस टू यू राइट फॉर अ लिंक यू दे नीड टू बी एन प्रॉपर कॉन्टेक्सट किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट में किसी टॉपिक के अराउंड वीडियो के अराउंड टेक्स्ट के अराउंड होने चाहिए तभी जाके समझ में आएगा कि है क्या मतलब वाईज दिस लिंक दे सिमिलरली बटन्स भी हैं मीडिया भी है सेम सबका सेम चीज़ ही है राइट तो बट अब ये एग्जांपल है जैसे दिस इज द ड्रॉप बॉक्स का साइन अप पेज अब ये साइन अप पेज है अब आप इसमें लिंक देख रहे हो आप इसमें देख रहे हो टर्म्स एंड सर्विसेज का लिंक है प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक है साइन इन का लिंक है क्रिएट कंटिन्यू विद फेसबुक का लिंक है साइन अप बटन है अब ये सब एलिमेंट्स देख रहे हो और ये सारे के सारे नेविगेशनल एलिमेंट्स हैं आप इनमें से किसी पे भी क्लिक करोगे तो दे विल हेल्प यू नेविगेट द वेबसाइट राइट और ये कॉन्टेक्चुअल इसलिए क्योंकि आपको पता है आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्या चाहिए अगर मैं आपको सिर्फ साइन अप बटन दिखा देता है यहाँ पर तो यू माइट नॉट प्रॉबर् अंडरस्टैंड कि साइन अप अगला क्या होगा बट नाउ आफ्टर फिलिंग ऑल दी स्क्रीन अगर आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो यू you नो know कि हाँ अगला पेज साइन अप से ही रिलेटेड होगा राइट सो इट्स कॉन्टेक्स्ट में ये सारे लिंक्स मेक सेंस बट अदरवाइज आप इन लिंक्स को एक ग्लोबल या लोकल नेविगेशन में कंबाइन नहीं कर सकते बिकॉज दे माइट नॉट मेक सेंस टू यू राइट समझ में आया सो दिस इज वॉट ज कंटेक्चुअल नैविगेशन कंटेक्चुअल नैविगेशन यूज़र्स को बहुत तरीके से एड करता है वन वे इज़ इट प्रोवाइड्स मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉमेसन जैसे अभी इसके केस में दिखाया था टर्म्स ऑन सर्विस हो गई प्राइवेसी पॉलिसी हो गई ड्रॉप बॉक्स की uh, उसके बारे में यू कैन नो तो दे दीज मेक सेंस हेयर अनदर टाइप ऑफ कंटेक्चुअल नविगेशन इज़ जो एमेज़ॉन पर आपको रिकमेंडेशन मिलती हैं ओह आई एम सॉरी गाइस अभी अभी डिनर की है जस्ट वेट फॉर अ मिनट यार जस्ट लेट मी ग्रैप सम वॉटर आई एम हैविंग अ ड्राई माउथ जस्ट जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड डोंट गो एनी वे ओके कूल या तो uh, हाँ तो अमेजोन uh, का ये जो कंटेक्चुअल लिंक है रेकमेंडेशन uh, है दीज आर ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ कंटेक्चुअल लिंक्स अगर आप चेयर ढूंढ रहे हो और आपके रिकमेंडेशन में रिलेटेड प्रोडक्ट्स में चेयर्स आ जाएंगी या टेबल ढूंढ रहे हो और फिर रिलेटेड में चेयर आ जाएंगी एनी फर्नीचर में तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको रिकमेंडेशन दे रहे हैं तो इट मेक सेंस टू यू तो समटाइम्स इट माइट इवन हेल्प यू डिसाइड कि आपको क्या लेना है या फिर आप कुछ भूल गए थे वो चीज़ भी आपको ऐड करनी है अपने कार्ट में राइट तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कंटेक्चुअल लिंक एक और एग्जाम्पल है कंटेक्चुअल लिंक का जो मैं आपको दिखा नहीं सकता बट अगर आप फुल स्क्रीन में देख रहे हो इस स्ट्रीम को तो मिनिमाइज करके डिस्क्रिप्शन में देखो मैंने बहुत सारे लिंक्स डाले हुए हैं ये सारे लिंक्स भी दे आर आ पार्ट ऑफ कंटेक्चुअल लिंक्स क्यों क्योंकि मैंने एक इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में जितनी भी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो अगर आप उन लिंक्स पर क्लिक करके अब पढ़ोगे तो यू you नो know कि अच्छा ओके okay, मानव ने नेविगेशन सिस्टम के बारे में एक स्ट्रीम की थी अब मैंने इस लिंक पर क्लिक किया है ये मेरे को इस स्ट्रीम से रिलेटेड किसी टॉपिक के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन देंगी सो so, कॉन्टेक्चुअली ये जो भी लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन में देख रहे हो वो आपको दे विल मेक सेंस टू यू बट अगर मैं रैंडमली किसी एक आर्टिकल में ऐसे डंप मार दूँ ये सब एक पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन का और वो आपको आप डिस्कवर करते हो उसे, तो माइट नॉट बी एज रेलिवेंट टू यू जितना रेलिवेंट है अभी है दिस इज द पावर ऑफ कंटेक्चुअल लिंक वन डिसएडवांटेज ऑफ कंटेक्चुअल लिंक विच आर ऑल्सो शेयर्ड इन द लास्ट स्ट्रीम अबाउट कंटेक्चुअल टॉप कंटेक्चुअल लिंक्स इन जनरल इज कंटेक्चुअल लिंक बहुत ही ऑथर डिपेंडेंट होते हैं स्पेशली इनलाइन लिंक्स जैसे अभी इस यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और जैसे आपने साइनअप अप पेज में भी देखा दे आर ऑथर डिपेंडेंट आई जिसने उस पेज का कॉन्टेंट लिखा है उसको उस पेज के कॉन्टेक्ट के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा बेटर पता होता है तो इट इज़ अपॉन हिज और हर डिस्क्रेशन कि वो ये चीज़ शेयर करना चाहते कि नहीं जैसे अभी मैंने कुछ जैसे दस बारह लिंक्स यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं कल को अगर मेरे को नहीं लगते है वो रेलिवेंट तो मैं उन्हें हटा दूंगा बट क्या पता वो आपके लिए रेलिवेंट हो मेरे लिए वो रेलिवेंट नहीं है मेरे को लगता है कि वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है बट क्या पता वो आपके लिए रेलिवेंट हो राइट सिमिलरली क्या पता कोई लिंक आप चाहते हो हो डिस्क्रिप्शन में आ, बट मैंने वो नहीं डाला क्योंकि मुझे लगा कि वो रेलिवेंट नहीं होगा आपके लिए राइट तो ये बहुत ही ऑथर डिपेंडेंट होता है इसमें ऑथर की बहुत सारी बाइसिस भी होती हैं सो दैट इज वाई कंटेक्चुअल लिंक्स और कंटेक्चुअल नेविगेशन थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्रिएट करना और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है क्रिएट करना

अब इसमें दो दो टाइप की कंटेक्चुअल नेविगेशन दिख रही है आपको एक रिकमेंडेशन दूसरा प्रोडक्ट रिलेटेड नाउ छोटे से स्नैपशॉट में ये बहुत ही ज़्यादा क्लटर्ड लग रहा है राइट बट ओवरऑल इन अ बिग स्कीम ऑफ द पेज इट माइट नॉट लुक सो क्लटर्ड तो वही अगेन एडवांटेज डिसएडवांटेज है तो मॉडरेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है कंटेक्चुअल नेविगेशन में और इसको एक्सेस में नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि एक्सेस में दिस विल नॉट इम्प्रूव द यूजर एक्सपीरियंस इट विल इम्पैक्ट द यूजर एक्सपीरियंस एंड इट माइट नॉट गिव क्लैरिटी वो कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है कुल cool. तो सप्लीमेंटरी नेविगेशन थर्ड टाइप का नेविगेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले एनी वन हैज एनी क्वेश्चन लेट मी नो आई एम नॉट सिंग एनी क्वेश्चन समझ में आ रहा हैं ना सब कुछ मतलब आई एम टेकिंग इट एज अ कॉम्प्लीमेंट अगर क्वेश्चन नहीं है तो बिकॉज आई एम एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेल तो डू डू लेट मी नो इफ आई एम रॉन्ग यार uh, तो कोई क्वेश्चन नहीं है कूल लेट्स कंटिन्यू देन या सो यार टेक्निकल गली चीज हैं गली चीज चलिए सप्लीमेंट्री नेविगेशन पे चलते हैं तो दिस इज थर्ड काइंड ऑफ नाविगेशन सप्लीमेंटरी नेविगेशन तो जैसे ही जस्ट लाइक लोकल नेविगेशन सप्लीमेंट्री नेविगेशन भी असेंशियल होता है एंड दिस इज ऑल्सो गुड सपोर्ट मैकेजम फॉर नेविगेशन मोस्ट टाइम्स ये ब्लाइंड स्पॉट में रहते हैं ये आपको दिखते भी नहीं हैं इन सम केसेज ये अपरेंट होते हैं बट यूजली दे आर वेरी हिडन एंड इफ इफ नॉट डन इफ इफ डन वेल दे कैन एक्चुअली प्रोवाइड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू द यूजर एंड दे कैन हेल्प यूजर इन फाइंडिंग इंफॉमेशन एंड कम्प्लीटिंग वट एवर टास्क दे वॉन्ट टू परफॉर्म तो सप्लीमेंट इन नैविगेशन भी काफ़ी टाइप के होते हैं uh, एक वन आई विल नॉट कवर एवरी थिंग इन दिस टॉपिक बट बहुत ही कॉमन जो सप्लीमेंट इन नैविगेशन है जो हम रेगुलरली देखते हैं अपने आस पास

दे इनका इनका रोल क्या होता है दे हेल्प यूजर आइडेंटिफाई कि प्रोडक्ट की हर में नेविगेशन की हैरारकी में वो कहाँ पर है राइट वो पीछे कहाँ जा सकते हैं और आगे कहाँ जाते हैं तो बेसिकली इट एक्ट एज़ अ मैप दे एक्ट एज अ मैप फॉर यू तो जैसे आपने देखा ना मैप में आप कहीं घूमने जाते हैं और वहाँ पे मैप होता है तो वहाँ पे एक पॉइंटर होता है जहाँ पे लिखा होता है यू आर हेयर राइट और नीचे फिर बहुत सारी लिस्ट होती है जिसमें दिखाया जाता है कि आप यहाँ जगह जा सकते हैं और मैप पर और विजुलाइज भी कर सकते हैं कि आप कहाँ सकते हैं तो दिस इज मोर लाइक अ मैप फॉर द यूजर ब्रेड क्रम्स आर लाइक द मैप फॉर द यूजर ऑन ग्लोबल और तो बहुत सारी वेबसाइट्स नहीं भी दिखाते हैं इन्हें जैसे वी रिसेंटली एट हाउसिंग पे हमने ब्रेड क्रम्स को मोबाइल वेबसाइट से ब्रेड क्रम्स को टॉप लेवल से उठा के बॉटम लेवल पर ही रख दिया है बिकॉज वी फेल्ट यूजर्स के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है बिकॉज वी सॉ दैट यूजर्स आर नॉट इंटरेक्टिंग विद ब्रेड क्रम्स बट इट डजेंट मीन मतलब एंड एंड वी हैव मोर रीजन ऑल्सो टू डू दैट बट इट डजेंट मीन कि अगर आपके यूजर्स ब्रेडक्रम से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं दट मीन्स दे डोंट यूज इट मोस्टली ये ब्रेड uh, क्रम्स जो होते हैं uh, वो आइडेंटिफाई करने के लिए काम आते हैं कि यूजर्स कहाँ हैं राधर दैन नैविगेट करने के लिए सम वट यू कॉल्ड प्रो यूजर्स यूज इट मोस्टली वी डोंट कुल ब्रेड क्रम्स दे ऑल्सो हेल्प विद यूजिलिटी एंड एसी ए सी ओ का बहुत इम्पैक्ट होता है सर्च इंजन ऑप सर्च इंजन स्पाइडर्स वेन दे क्रॉल द वेब और आपके पेज पर जब वो क्रॉल करते हैं तो दे फाइंड ऑल द लिंक्स दैट दे कैन गेट एंड ब्रेड क्रम्स बेसिकली उन स्पाइडर्स को हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है और पेजेज आपस में लिंक्ड कैसे हैं वन शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी आई वॉन्ट टू टेल यू इज ब्रेड क्रम्स इज अ वेरी इट्स इट्स अ वेरी डिफरेंट नेम राइट स्पेशली फॉर द थिंग्स दट आर यूज ऑन द वेब Uh, मतलब वेब पे आप ब्रेड क्रम्स जैसे चीज़ का कैसे काम कर रहे तो इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है मैंने मैंने सर्च किया था इसके बारे में नाउ आई अकाउंट वेरीफाई कि ये स्टोरी एक्चुअल स्टोरी है कि नहीं बट uh, बहुत जगह पे जब मैंने सर्च किया था तो ये स्टोरी बार बार रिपीट हो रही थी uh, तो अमेरिका की एक फेरी टेल है हैंजल एंड ग्रेटल की इन uh, विच ये दोनों बच्चे होते हैं जो एक जंगल में गुम हो जाते हैं और घूमते घूमते uh, इन्हें एक घर दिखता है वो एक चुड़ैल का घर होता है एक विच का घर होता है uh, जब वो जाते हैं उस घर में तो विच भूखी होती है उसे खाना नहीं मिलता तो वो सोचती है कि वो हैंसल एंड ग्रेटल को खा लेगी तो वो हैंसल एंड ग्रेटल को जो भी उसके पास चीज़ें होती हैं बहुत सारी कैंडीज़ होती हैं उसके पास केक्स होते हैं उससे ट्रीट करती हैं ताकि वो अच्छे खासे हट्टे कट्टे मोटे हो जाएं और वो फिर खा पाए हैंसल एंड ग्रेटल को ये चीज़ पता लग जाती है और वो वहाँ से एस्केप एस्केप करना चाहते हैं बट क्या होता है uh, उनको रास्ता नहीं पता होता राइट बट फॉर्चुनेटली जब वो गुम हो चुके होते हैं जब वो आ रहे होते हैं जहाँ से वो गुम हुए हो होते हैं वहाँ से जब तक वो विच के घर पहुँचते हैं uh, वो एक ट्रेल छोड़ाते हैं पीछे तो वो एक स्नैक खा रहे होते हैं ब्रेड का तो ब्रेड के जो क्रम्स होते हैं ना चूरा होता है वो नीचे रह जाता है तो वो, उन लोगों को वो दिखता है कि अच्छा ये एक चूरा है तो वो दे फॉलो दैट ट्रेल एंड देन दे रीच टू द डेस्टिनेशन और वो विच से बच जाते हैं तो दिस इज हाउ इसकी वजह से ब्रेड क्रम्स का नाम पड़ा सो द यूजर कैन आइडेंटिफाई कि वो कहाँ से आए थे कहाँ जाए जाना है uh, मैं हनी सिंह का लिरिक्स बोलने वाला था <laughs> कहाँ से आइए कहाँ को जाएगी ओके एनी वेज तो या इंटरेस्टिंग नेम इंटरेस्टिंग स्टोरी इफ एनी वन कैन वेरीफाईट लेट मी नो यही एक स्टोरी एक्जैक्टली कूल साइट मैप्स तो किसने क्वेश्चन पूछा था ये uh, मिथिल ने क्वेश्चन पूछा था तो मिथिल ये है तुम्हारे लिए दिस इज साइट मैप तो साइट मैप प्रोवाइड्स अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ द कॉन्टेंट ऑफ द वेबसाइट तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन uh, और नेविगेशन होती है साइट uh, मैप्स क्या करते हैं उन प्रोडक्ट्स को हेल्प करते हैं प्रोडक्ट का एक ओवरव्यू देने में कि ओवरऑल प्रोडक्ट में कितने कितने टाइप के लिंक्स हैं कैटेगरीज हैं पेजेस हैं तो एग्जांपल दिखाता हूँ जैसे ये एप्पल का साइट मैप है Uh, तो अभी मैंने तो एक छोटा सा स्क्रीन भेजा है मैंने तो यहाँ पे छोटा सा स्क्रीन लगाया है बट अगर आप एप्पल की वेबसाइट पे जाओगे और uh, या फिर आप गूगल करोगे एप्पल साइट मैप तो यू विल लैंड ऑन दिस पेज और ये बहुत लंबा पेज है बहुत ही बड़ा पेज है uh, और उन्होंने बेसिकली uh, लिस्ट किए हुए हैं एक तो ओवरऑल क्या, uh, क्या, क्या क्या पेजेस हैं वेबसाइट पे एप्पल की और कैटेगरी वाइज भी उन्होंने लिस्ट किया हुआ है कि अच्छा मैक कैटेगरी में ये सब पेजेस हैं हमारे आई पॉड कैटेगरी में ये सब पेजेज हैं हमारे आई मैप कैटेगरी में ये सब पेजे हैं हमारे तो जनरली इफ यू कॉन्ट फाइंड एनीथिंग इन ग्लोबल और लोकल नैविगेशन तो यू कैन डेफिनेटली फाइंड इट इन साइट मैप्स क्योंकि साइट मैप्स में इफ इट्स एन इम्पॉर्टेंट पेज इफ इज अ सेपरेट पेज वो प्रॉब्ली लिंक्ड होगा लिस्टिड होगा तो दैट इज वाई साइट मैप्स आर यूज अनदर रीजन इज साइट मैप्स ऑल्सो हेल्प विद एस सी ओ एज आई सेट जैसे ही कोई सर्च इंजन का स्पाइडर आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो लिंक को क्रॉल करता है एंड दैट्स हाउ इट मेक सेंस कि आपकी वेबसाइट पे पेजेस कौन कौन से हैं तो जितने पेजेस एक सर्च इंजन आइडेंटिफाई करेगा उतने पेजेस वो सर्च रिजल्ट्स में शो करेगा एंड बिकॉज साइट मैप में बहुत सारे लिंक्स होते हैं मतलब आपके ग्लोबल और लोकल नेविगेशन से ज्यादा लिंक्स होते हैं आपकी पूरी वेबसाइट में जितने पेजेस हैं उसके सारे के सारे लिंक्स होते हैं तो दिस हेल्प्स सर्च इंजन आइडेंटिफाई कि ओके कौन कौन से पेजेस हैं जो रेलिवेंट हो सकते हैं यूजर के लिए और वो उस पेजेस को उठा के रैंक करता है अपने एल्कोटिथम के हिसाब से हम पढ़ेंगे सर्च के बारे में आ, अगली स्ट्रीम में नेक्स्ट नेक्स्ट स्ट्रीम में बट अभी के लिए दिस इज वॉट साइट मैप डज तो साइट मैप इज़ अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेविगेशन एंड इट इज़ अ सप्लीमेंट्री नेविगेशन इट्स नॉट अ प्राइमरी नेविगेशन इट्स नॉट अ ग्लोबल नेविगेशन इट्स अ सप्लीमेंट्री नेविगेशन ये हेल्प करता है एक वेबसाइट को Uh, एक वेबसाइट का ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाने में और यूजर्स को हेल्प करता है ऐसे लिंक्स ढूंढने में जो उनको ग्लोबल और लोकल नेविगेशन में या फिर uh, आपके कंटेक्चुअल नेविगेशन में नहीं मिलते कुल एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू साइट मैप पूछ लेना बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं मतलब बहुत लोग पूछते हैं कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर और साइट मैप में क्या डिफरेंस है कंपैरिजन ही नहीं है क्योंकि साइट मैप इज अ पार्ट ऑफ नेविगेशन विच इज अ पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर कुल तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे uh, इंटरव्यू में ऑल दो आई प्रॉब्लली डाउट तो नाउ यू नो देन इज सर्च सर्च इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री नेविगेशन वी विल लर्न अ लॉट मोर इन डेप्थ अबाउट सर्च इन द नेक्स्ट स्ट्रीम विच विल बी अबाउट सर्च सिस्टम्स तो उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ सर्च के बारे में कवर करूंगा कि सर्च क्या होती है बट अभी के लिए एक ओवरऑल व्यू देता हूँ सर्च यूजर का फेवरेट टूल होता है

बहुत बड़ी बड़ी सारी की सारी वेबसाइट के पास सर्च तो एटलीस्ट होता है वो बहुत ही बेसिक कैपेबिलिटी मानी जाती है आ, बहुत सारी जगह पे आप छोटी छोटी वेबसाइट्स जो बहुत ही छोटे जिनका छोटा प्रोडक्ट कैटेलॉग होता है वो भी कई बार सर्च आ, आ, अप्लाई कर देती हैं बिकॉज सर्च एक तरह का परसीव्ड यूजेबिलिटी बन चुका है अगर आपकी वेबसाइट पे सर्च नहीं है तो शायद वो अच्छी नहीं है ऐसा परसीव्ड नोशन है होता है यूजर्स का Uh, और कई बार लोगों को लगता है कि वेबसाइट टूटी हुई है ब्रोकन है या फिर अंडर डेवलपमेंट में अगर सर्च नहीं होती थो. तो तो सर्च होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए अगेन डिफरेंट क्वेश्चन अगली स्ट्रीम में कवर करेंगे बट अभी के लिए दिस इज वॉट सर्च डज हाउवर एम्बिकुटे ऑफ लैंग्वेज कैन कॉज ए नॉर्मस प्रॉब्लम विथ सर्च एक्सपीरियंस एंड बिल्डिंग सर्च इज नॉट ए इजी जॉब एम्बिगुटे ऑफ लैंग्वेज कैसे uh, आपको कभी मतलब मैंने इसमें एग्जाम्पल डाला था तो <laughs> कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कोई चीज़ सर्च करनी है बट आपको पता नहीं है कि क्या सर्च करना है राइट आप रैंडम वर्ड्स टाइप करने लग जाते हो आ, कई बार इट्स हिट आपको मिल जाता है वो डेटा वो इन्फॉर्मेशन बहुत बार नहीं मिलती है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि यार क्या करना है तो लैंग्वेज इज़ वेरी एम बिगेस्ट ऑल्सो कोई चीज़ कोई वर्ड आपके लिए कुछ और मतलब हो सकता है और किसी और कॉन्टेक्स्ट में या फिर किसी और चीज में वो अलग जैसे फॉर एग्जाम्पल रीड राइट अगर मैं नॉर्मल बोल रहा हूं कि आप रीड आर ये डी रीड एक ही स्पेलिंग है पर तीन प्रोनाउंसिएशन है रीड रेड रेड राइट रीड का मतलब पढ़ना रेड मतलब पढ़ लिया रेड मतलब पढ़ू उससे भी पास्ट टेंस राइट तो सी लैंग्वेज इज वेरी एम्बिबियस दैट इज वाई तो बी वेरी केयरफुल वैन यू आर इंप्लीमेंटिंग सर्च अगेन इन नेक्स्ट विल डेफिनेटली कवर अगर वो मैं कर चुका हूँ तो यू विल प्रोबली सी द लिंक टू दैट इन यहाँ टॉप राइट में तो आई आई लिंक दैट स्पेसिफिकली तो आप जाके यू कैन स्पेसिफिकली सी वैन यू शुड इम्प्लीमेंट सर्च एंड वैन यू शुड नॉट इम्प्लीमेंट सर्च कूल गाइड्स और ऑन बोर्डिंग दिस इज अनदर टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री नेविगेशन देस आर वेज अड वैल्यूबल टूल फॉर इंट्रोड्यूसिंग यूजर्स विद द कॉन्टेंट और फंक्शनैलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट दे सप्लीमेंट द एग्जिस्टिंग नेविगेशन एंड इट्स इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द यूजर्स तो जैसे पिंटरेस्ट है राइट right? तो जो बीच वाला सेक्शन है वो पिंटरेस्ट का है राइट uh, साइड right में आप टिकटॉक का एग्जाम्पल दे रहे हैं राइट right? तो आपका एक ओवर ले आया है विच इज टेलिंग यू कि आपको वेबसाइट के साथ नैविगेशन कैसे करना है सो दिस इज अ काइंड ऑफ ऑन बोर्डिंग गाइड पिंटरेस्ट में uh, सबसे पहले वो बोलता है आपको कि आप पाँच टॉपिक सिलेक्ट करें और फिर नेक्स्ट दबाइए फिर उसके बाद जाके आपको और स्टेप्स बोलता है तो ऑल दीज आर कॉल्ड गाइड्स नेविगेशन इंट्रोडक्शन ऑन बोर्डिंग बहुत सारे टाइप बहुत सारे वर्ड्स हैं या सो दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री नेविगेशन इफ यूज वेल दे कैन इंक्रीज द यूजिबिलिटी दे कैन इफेक्ट द यूजबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट दे कैन हेल्प यूर यूजर प्रोडक्ट पर्स गेट दे कैन हेल्प यूर प्रोडक्ट बी मोर यूजर फ्रेंडली क्योंकि लोगों को समझ में आ जाएगा आपको कैसे यूज़ करना है खासकर जब आप नए इंटरेक्शन पैटर्न इंट्रोड्यूस करते हैं यू शुड डेफिनेटली इंक्लूड अ गाइड और एन ऑन बोर्डिंग जस्ट टू हेल्प जस्ट टू हेल्प द यूजर्स अंडरस्टैंड कि भैया यूज कैसे करना है गाइड्स कैन ऑल्सो बी यूज एज अ गुड मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड यूजर्स एंड एंड मैनी पीपल नेवर यूज गाइड्स क्लासिक एग्जाम्पल है आप गेम जब भी इंस्टॉल करते हो तो आपका गोल उस टाइम होता है कि भैया मेरे को गेम खेलनी है मुझे समझना नहीं है कि गेम कैसे खेली जाती है बट गेम बार बार आपको फोर्स करती है समझने के लिए कि अच्छा ये चीज़ यहाँ से होगी लेट्स अगर आप पबजी खेल रहे हो तो गन्स यहाँ से आएंगी ये बटन इसके लिए काम होता है आपको लूट का सामान यहाँ से चूज़ करना है ये ये होता है एंड दे ऑल्सो अ ऑप्शन टू स्किप दैट सो गाइड बनाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है uh, इसको यूज़र के लिए स्किपेबल रखना चाहिए यानी इज अ डिफरेंट क्वेश्चन बट इफ यू आर कीपिंग इट अगर आप उस तरीके से रख रह रहे हो इफ यू आर अलाउइंग यूजर टू स्किप द ऑन बोर्डिंग और स्किप द गाइड्स यू शुड डेफिनेटली कीप फॉर द यूजर्स टू रिटर्न बैक एंड सी दोज गाइड्स तो लेट्स से आपने कोई ऑन बोर्डिंग बनाई और आपने स्किप का ऑप्शन दिया और यूजर ने स्किप कर दिया ना यूजर ने स्किप तो कर दिया बिकॉज उसे प्रोडक्ट यूज करना था बट थोड़ा टाइम बाद उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसे आगे प्रोडक्ट कै, कैसे यूज करना है राइट right? आपने आपको एक ऑप्शन जरूर देना चाहिए किसी तरीके से जिस तरीके से यूजर उस ऑनबोर्डिंग को दोबारा से देख सके ताकि उसे समझ में आ जाए कि आगे करना क्या है सो देट दैट इज दैट इज दैट इज इम्पॉर्टेंट यूजर्स थिंक दैट दे नो बट दे माइट तो बी बी केयरफुल वैन यू इम्प्लीमेंट गाइड्स नेक्स्ट इज कॉन्फिगरेटर्स तो आप देख रहे हो ना सप्लीमेंट्री में भी कितने टाइप के हैं तो ये बहुत कॉमन कॉमन है कॉन्फिगरेटर्स के बाद आई थिंक थोड़े से ही बचे हैं आई थिंक दिस इज द लास्ट वन कॉन्फिगरेटर्स क्या होते हैं दे दे बेसिकली हेल्प यूजर्स इनफॉर्म और इंट्रोड्यूस समथिंग एंड हेल्प यूजर्स डिसाइड एंड मेक अ डिसीजन टू गिव एग्जाम्पल जैसे आप अगर आप एप्पल आप की किसी वेबसाइट पर जाएंगे uh, तो आपको इस टाइप का इंटरेक्शन uh, पैटर्न दिखेगा तो एंड दिस इज लाइक द बेस्ट एग्जाम्पल वन ऑफ़ द बेस्ट एग्जाम्पल्स जैसे जैसे आप सिलेक्शन करते हो आपका प्राइज अपडेट होता जाता है एंड एप्पल ऑल्सो टेल्स यू कि आपके एक पर्टिकुलर इंटरक्शन या आपकी पर्टिकुलर चॉइस पे प्राइस किस तरीके से इफ़ेक्ट होगा तो जैसे इस एग्जांपल में सिक्सटीन जी रैम और फाइव हंड्रेड ट्वेल्व जी बी एस एस डी स्टोरेज से लेकर रखी है और उसका प्राइस वो बता रहा है कि ई एम आई पर इतना आएगा और वैसे इट्स वन लैख सेवेंटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड रुपीज एंड इन द एट जी बी वर्जन वहां पर लिखा हुआ है माइनस ट्वेंटी थाउजेंड इट इज इन्फॉर्मिंग द यूजर कि अगर आप उस, उस पर क्लिक करोगे तो इसमें से ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज कम हो जाएंगे तो so, कन्फिगरेटर का यही काम होता है कन्फिगरेटर शुड हेल्प यूजर डिसाइड कि उसे क्या चॉइस लेनी चाहिए और उस चॉइस को उसे रियल टाइम में रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए और अपडेट भी करना चाहिए कुल cool?

इट इज बिल्ड ऑन आइडिया दैट कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ मनी यूजर्स कैन हेल्प इंडिव्यूजुअल यूजर एक्सपीरियंस राइट क्या कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ मेनी यूजर्स कैन हेल्प एन इंडिविजुअल यूजर एक्सपीरियंस इंटरेस्टिंग थाट दिस कैन भी एक बाय आईदर गैदरिंग इंफॉर्मेशन और ऑब्जर्विंग एक्शन ऑफ मैनी यूजर्स एट द मोस्ट सुपरफिशियल लेवल मतलब मैक्रो लेवल पे सोशल नेविगेशन कैन हेल्प यूजर्स डिस्कवर कॉन्टेंट बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी एंड और और बाय द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक या फिर किस तरीके से लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट पे uh, तो वो यूजर ड्रिवन होता है uh, और इट्स बेस्ड इट्स मेड फ्रॉम द डेट ऑफ लॉट्स एंड ऑर्ट्स बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है जैसे रेडिट है लेफ्ट साइड पे और नाइन गैक है राइट right साइड पे uh, इन दोनों पे सोशल नेविगेशन यूज़ हो रखा है क्यों जो आप पोस्ट देखते हो ना इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन कि वो कब पोस्ट करी है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं होती वो होती है आ, किन लोगों ने अपवोट किया है किसी चीज़ को तो जितने ज़्यादा लोग अपवोट करेंगे वो हैरारकी में उतना ऊपर आएगी राइट तो अब अपवोट कौन करता है हम जैसे लोग ही अपवोट करते हैं राइट तो इन प्रोडक्ट्स ने क्या सोचा है कि यार हम नहीं बताते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है Let the user decide what is good and then we will show to, to, to the users the content according to what other people think. Uh, and Reddit is like by far it's one of the I mean one of the best in best place to find information. Kyuki it's it's community-based uh, and it's community-driven. So people like us decide, si concichi is si legible. Hai. And if there is something, some something that is just flawed, we download it and even request it to get it deleted. सो दिस इज द पावर ऑफ सोशल नॉट जस्ट दैट हैश टैग आर अ वेरी गुड साइन ऑफ social navigation तो uh, अगर आपको यूएक्स डिजाइन में कोई चीज सर्च करनी है राइट तो यू डोंट नो कि कहाँ मिलेगी बट इफ यू सर्च है हैश टैग ऑफ यू एक्स डिजाइन जितने भी यूजर्स इंस्टाग्राम पे जिन्होंने भी हैश टैग यू एक्स डिजाइन यूज किया है जैसे इस स्क्रीन में वन मिलियन दिख रहा है यू कैन एक्चुअली गो थ्रू द मिलियन Right. This is like it's amazing. Although hashtag was introduced by Twitter, now it's used basically everywhere, uh, and it's like an interesting. Again, it's a kind of a social navigation. Uh, your Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, every feed basically, her social media website, social navigation, navigation, media, and they have algorithms that decides ki kaun si particular uh, post ya fa, kaun si particular listing ko, हीट uh, मिल रही है पॉपुलैरिटी मिल रही है व्यूज मिल रहे हैं और वो अपने कुछ लॉजिक के हिसाब से उस पोस्ट को पहले दिखाते हैं, जिस टू हेल्प यू मोर विद द प्रोडक्ट तो या नाउ दीज आर द सिक्स टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री नेविगेशन जो हमने पढ़ी है अभी ब्रेड साइट मैप सर्च गाइड्स कॉन्फिगरेटर्स और सोशल नेविगेशन बिफोर आई गोइंग टू एम्बेडेड नाविगेशन लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन क्योंकि बहुत सारा हमने पढ़ लिया है आई फील वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स सो इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन और इफ़ यू वॉन्ट मी टू टेक अ ब्रेक जस्ट लेट मी नो बहुत ही बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें बची हैं हमारे पास एम्बेडेड वी हैव बेयरली फोर टू फाइव स्लाइड्स टू कवर एंड आफ्टर दैट दिस इज डन आई नो इट्स अट्स इट्स वेरी लॉन्ग एक घंटे की हो गई है दैट इज वाई इफ यू वॉन्ट यू कैन प्रॉब्ली ऑल्सो लीव यू कैन ऑल्सो हिट द लाइक वन यू कैन ऑल्सो इन्वाइट अदर पीपल बाय शेयरिंग दिस स्ट्रीम या सो एनी एनी क्वेश्चन सो फार बताओ इफ नॉट देन लेट्स कंटिन्यू ओके योर साइलेंस इज

ओके लास्ट नेविगेशन एम्बेडेड नेविगेशन तो एम्बेडेड 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 नेविगेशन क्या होविगे एम्बेडेड नेविगेशन क्या होती है जब आप ग्लोबल नेविगेशन लोकल नेविगेशन और सप्लीमेंट्री नेविगेशन को कंबाइन कर देते हैं और एक पूरा का पूरा सिस्टम क्रिएट कर देते हैं नेविगेशन का उस उन सब एलिमेंट्स को कंबाइन करके ऑलमोस्ट ऑल द डिजिटल प्रोडक्ट्स डेट यू सी टू डे एटलीस्ट द बिग शॉर्ट्स लाइक अमेजोन फ्लिपकार्ट हो गया आपका मिंत्रा शॉपीफाई आई डों नाम याद नहीं हार बट मेनली पे पैल वगैरह ऐसा बहुत बहुत ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज यूज एम्बेडेविगेशन जिस यही बोलना था मुझे सो टू गिव एग्जाम्पल ये अमेजोन का पेज है ऑन दिस पेज यू सी द ग्लोबल नेविगेशन इन द ब्लू बार टॉप पे जहाँ पे आपको अकाउंट्स ऑर्डर्स वगैरह दिख रहे हैं ऑल फ्रेश हेल्प इम्प्रूवमेंट बेस्ट सेलर ये सब ये दोनों चीजें कंबाइंड दिस इज द टॉप लेवल ग्लोबल नेविगेशन नाउ वी वी सी कंटेक्चुअल नेविगेशन इन द फॉर्म ऑफ बटन्स एंड कॉन्फिगरेटर्स वी कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड जहाँ पे लिखा हुआ है एड प्रोडक्शन प्लान जो क्लिकेबल हैं वो दे टेल यू और विद एक्सचेंज विदाउट एक्सचेंज दीज आर बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फिगरेटर्स वी हैव सर्च ऑन द टॉप विच इज बेसिकली इन 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 द मिडल वी हैव ब्रेड क्रम्स हेयर विच इज़ अनदर सप्लीमेंट्री नेविगेशन तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक्स ये ये इनका लोकल लोकल नेविगेशन है तो दिस इज द इमेज का नेविगेशन है इनका दिस इज़ अगेन अ लोकल नेविगेशन क्योंकि ये कॉन्टेक्सट और पेज के हिसाब से चेंज होता रहता है दिस दीज आर कंटेक्चुअल लिंक्स ये सारे के सारे डिटेल्स ई एम आई ऑप्शन दीज दी व्यू वन प्लस स्टोर रेटिंग्स वगैरह ऑल दीज आर कंटेक्चुअल पार्ट ऑफ कंटेक्चुअल नेविगेशन तो यू सी राइट कितना कोहैसिवली कितना अच्छे से अमेजोन ने uh, एक पूरा अपना नैविगेशन सिस्टम क्रिएट किया हुआ है uh, मज़ा आया भाई मज़ा आया तो दैट इज एमेडिड नाविगेसन दैट दैट इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आई कुड गिव ऑफ एमेडिड नाविगेशन एक रफ फ्रेमवर्क बता देता हूँ मैं अमेडिड uh, नाविगेसन बताने का uh, तो जनरली बीच में कॉन्टेंट होता है आपका लेफ्ट में लोकल नैविगेशन होता है राइट right में पर्सनलाइजेशन होती हैं बॉटम में भी हो सकती हैं ब्रेड क्रम्स और बेसिकली तो यार यही है मतलब जी यू सी दिस फ्रेमवर्क राइट इफ़ यू यूज दिस फ्रेमवर्क

छोटा एग्जाम्पल देता हूँ नेविगेशन पेजेस वो पेजेस होते हैं जो यूजर्स जहाँ पे यूजर्स क्लिक uh, करता है नेविगेट करने के लिए एंड डेस्टिनेशन पेजेस वो पेज होते हैं जहाँ पे यूजर फाइनली जाता है इन्फॉर्मेशन एक्वायर करने जो उसको ढूंढना था राइट सो यू हैव टू यूज द मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स रिक्वायर्ड फॉर द यूजर टू अराइव एट द डेस्टिनेशन पेज नाउ दैट इज ऑल्सो वेरी कंटेक्चुअल इट डजेंट मीन कि आप इस चीज़ को एज अ प्रिंसिपल ट्रीट करेंगे और हर जगह पे जहां पे दो या तीन से ज़्यादा क्लिक्स हो रहे हैं यू विल सी दी आर टेल मेक दी आर्ग्यूमेंट की यार क्लिक्स बहुत हो रहे हैं ऐसा नहीं है बट इट सेज मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स नॉट लीस्ट नंबर ऑफ क्लिक्स मतलब कम से कम होने चाहिए बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तीन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए चार से ज़्यादा नहीं होने चाहिए डिपेंड अप ऑन जो प्रोडक्ट की हर क्या है आपकी प्रोडक्ट की ऑर्गेनाइजेशन क्या है बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है ये राइट बी कंसिस्टेंट throughout the website वेबसाइट इन टर्म्स ऑफ विजुअल एंड uh यूज क्लियर एंड innovative लेबल्स बेस्ड ऑन यूजर्स perspective एंड टर्मिनोलॉजी तो ये मैंने लेबल लेबलिंग सिस्टम में कवर किया था कि जो लेबल्स होते हैं वो यूजर की लैंग्वेज के हिसाब से होने चाहिए ना कि आपकी लैंग्वेज के हिसाब से यू आर द एक्सपर्ट यूजर्स आर नॉट यू यू डोंट हैव टू प्रि एज्यूम दैट यूजर्स भी उसी लैंग्वेज में बात करते हो जिस लैंग्वेज में आप दे आर एज एजुकेटेड एंड एज रेलिवेंट टू द प्रोडक्ट एज यू आर तो बहुत ही क्लियर सिंपल और इंटोवेटिव लेबल्स यूज़ करने चाहिए नैविगेशन uh, में एंड मैंने लेबलिंग सिस्टम नाविगेशन से पहले इसलिए कवर किया था क्योंकि नेविगेशन में जो भी आप वर्ड्स लिखते हो दे हैव दे आर असेंशली लेबल्स तो अगर यूज़र उनको समझ में नहीं पाएंगे तो उसको यूज़ भी नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली आपकी नेविगेशन कितनी भी अच्छी हो इफ द यूज़र कान अंडरस्टैंड इट दे वॉन्ट भी एबल टू यूज़ इट Avoid making the user scroll to get the important navigation or submit buttons. okay and do not disable the back button of the browser uh, or the mobile device right. I have not seen this happening uh, but I, I thought it's called dal town because I was there uh, talking to a client once. विच एन विच दे वॉन्टेड टू डिसेबल द बैक बटन मोबाइल का हार्डवेयर डिसेबल बटन दे देवर दे वॉन्टेड टू डिसेबल दैट बट वेन दे दे कु क्योंकि एंड्रॉयड में उस टाइम पर केपेबिलिटी नहीं थी दे सेट कि हम बैक बटन ही लगाते हैं बिकॉज वी डोंट वॉन्ट द यूजर्स टू गो बैक फ्रॉम दिस पेज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कन्विंस दैम बट गाइज डोंट डू देट सी एनी काइंड ऑफ नैविगेशनल एलिमेंट दैट हेल्प्स यूजर टू नेविगेट शुड नॉट बी ब्लॉग्ड और हिडन और शुड बी डिसेबल्ड यूजर्स अगर नेविगेट करेंगे आपके प्रोडक्ट को तो दे विल बी कम्फर्टेबल फोर्सिंग दैम इज नॉट अ ऑप्शन शुड नॉट बी द वे टू गो योर नेविगेशन शुड बी इंटोवेटिव इनफ फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि आपके प्रोडक्ट के साथ क्या करना है और कहाँ जाना है गुड नैविगेशन आर इनविजल बाई दैट आई मीन वॉट आई मीन इज आपने कभी भी ये नहीं बोला होगा एक वेबसाइट जिसकी अच्छी नेविगेशन होगी यार मजा आ गया यार नेविगेशन मतलब सब जगह बहुत ही स्मूथली गया यू जस्ट डू इट राइट इट्स इट्स सिमिलर टू वॉट वट इज़ टोल्ड अबाउट गुड डिज़ाइन गुड डिज़ाइन इज़ इनविजिबल जब भी कोई चीज़ अच्छी होती है इट्स बेसिकली इनविजिबल वो आपके वे में नहीं आती है तो ऐसे ही गुड नेविगेशन शुड हेल्प दूर इट शुड नॉट कम इन द वे ऑफ यूजर्स टू अचीव देयर गोल मेक योर नेविगेशन विजिबल बट वट इज आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड वॉइस वर्ड्स बाई नॉट बाय मी दिस इज आई है सो दिस इज दिस इज द कोड बाय मी ऑल दो वेकन यू कैन से लाइक दिस वट इज आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड अननोन मानो मैदान जैसे माइक्रोस्कॉट करता है दी ऑफिस में कूल एंड That's it guys, that's all, that's all. can ghante ka session. Today was a long session. Boh uh, zyada time supplementary navigation nahi le If you have any questions, let me know. Uh, let me know if you have any questions. And if not, then like, share, subscribe. Uh, if you, if you like this, then do share it with the, uh, your friends, families, whoever uh, watches it and share it on LinkedIn. If, if you enjoyed it, if you have any questions, just reach out to me on Instagram, write it in the comments. If you're watching this later, uh, and again, I've been doing a, the series of information, uh, architecture, uh, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा पूरी प्ले का यू कैन गो एवरी वीडियो इज टाइम स्टैम्प्ड आपको जो भी टॉपिक के बारे में जानना है यू कैन स्ट्रेट अवे क्लिक दैट टाइम स्टैम्प एंड वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं या दैट इज दैट दैट इज दैट इज ऑल फ्रॉम मी गाइस ओके वी हैव टू क्वेश्चंस हाउ डू आई लर्न दिस स्टफ इन डीप ओके तो uh, लिंक डिस्क्रिप्शन में आई हैव लिंक लॉट ऑफ आर्टिकल्स हैव ऑल्सो लिंक्ड अ बुक व्हिच इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर फॉर द वेब एंड बियॉन्ड व्हिच इज लाइक द बाइबल ऑफ इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर एंड अनदर बुक हाउ टू मेक अ सेंस ऑफ एनी मेस बाय आईबी कोवर्ड यू कैन रीड दोज बुक्स तो यू कैन लर्न अबाउट ऑल दफ़ इन डेप्थ ऑल्सो हैव लिंक्ड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स डिस्क्रिप्शन में तो यू कैन गो देयर एंड देख सकते हो उन आर्टिकल्स को पढ़ो स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू रीच आउट टू मी आई एल बी हैप्पीली आई बी है मैं बहुत खुशी से आप लोगों की मदद करूंगा जस्ट डी एम ऑन इंस्टाग्राम मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और डी एम ईन लिंक आई ऑल्सो आई आईसो मैंटोर यंग डिजाइनर्स सो इफ यू वॉन्ट मेंटोरशिप इफ़ यू वॉन्ट करियर एडवाइज़ और इफ़ यू वॉन्ट योअर पोर्टफोलियो टू गेट अ रेव्यूड और इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो एंड पे वेट योर डिजाइन करियर बट यू डोंट नो हाउ फील फ्री टू रीच आउट टू मी नीचे डिस्क्रिप्शन में देर इज़ अ कैलेंडली लिंक मेंटोशिशिप लिंक उस पर क्लिक करके यू कैन ब्लॉक माई कैलेंडर यू कैन ब्लॉक थर्टी मिनट्स विद थर्टी मिनट्स ऑफ टाइम एंड यू कैन ब्लॉक एनी एनी नंबर ऑफ इवेंट्स इट्स फ्री या दैट दैट इज ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इज माना मैदान and chenqui